Assalamu alaikum everyone and hello to everyone. Welcome to Afnishu's channel. Your kitchen is your paradise. You have so many things to create wonders. I have created the home remedies and for beauty, for your hair fall, for your skin. And there were so many things which you can do from your kitchen. Do like, share and subscribe to my channel to get all those remedies and tips. Today I'm going to make the चना मसाला. फॉर दिस हमने लिया है एक बड़ा साइज का अनियन जो मैंने पैन में ऑयल में फ्राई करने के लिए डाल दिया है. इसको अच्छे से हम सॉटे करेंगे. ये जब अच्छे से पक जाए तब हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट और टोमेटोज ऐड करेंगे. मीनवाइल मैंने चना को जो है काबुली चना को एक रात के लिए भिगो के रख दिया था और फिर उसको मैंने बॉयल करके उसके अंदर एक पोटैटो डाल के मैंने उसको अलग से बॉईल कर लिया है. तो ये हैं हमारे चने जिसमें नमक डाल के मैंने एक पोटैटो को बॉईल कर दिया है. वो इसलिए क्योंकि जो ग्रेवी है उसकी थिकनेस थोड़ी अच्छी रहेगी पोटैटो से और टेस्ट भी थोड़ा अच्छा रहेगा. तो यहाँ पे अनियंस कुक हो रहे हैं और यहाँ पर चना ऑलरेडी कुक्ड हो गया है. अब जब ऑनियंस जो हैं अच्छी तरह से कुक हो गई हैं तो मैंने इसमें एक स्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है. अब इसको भी थोड़ी देर कुक करेंगे फिर टोमेटोज ऐड कर देंगे. अब टोमेटोज भी ऐड हो गए हैं. अब 2 से 3 मिनट तक इनको पकने छोड़ देते हैं. तब तक जो है आप अपना मैजिकल मसाला जो है वो रेडी कर लें. मैजिकल मसाला की रेसिपी ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर है. आप उसको सर्च करें और बना के रख लें जिससे आपकी कुकिंग लाइफ जो है बहुत आसान हो जाएगी क्योंकि वो मसाला बहुत सारी चीज़ों में डलता है. तो हम वो मसाला डालेंगे और घर का जो नॉर्मल मसाला है हल्दी मिर्च और धनिया वो भी थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे और नमक भी थोड़ा ऐड कर देंगे. और अगर आप बाज़ार का डालना चाहती हों तो घर का मसाला या तो आप कम कर दें या सिर्फ बाज़ार का मसाला यूज़ करें. दोनों को अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दिया तो आपका डिश कंप्लीट ख़राब हो जाएगा. तो चलें आप थोड़ा सा घर का मसाला और थोड़ा सा जो है हमने जो मैजिकल मसाला बनाया था सारी चीज़ों को भून के गर्म मसाला धनिया और सौंफ जीरा ये सारी चीज़ें जो भून के हमने बनाया था उस पाउडर को और इस बार जो घर के मसाले को मिक्स करके इसमें डाल देते हैं. अब इसमें सारे मसाले तो हमने डाल दिए हैं. अब इसको फिर 2 मिनट के लिए कुक करेंगे. ढक के कुक करें और लो फ्लेम पे कुक करें. इस टाइम पे जो है आप टोमेटो पेस्ट या टोमेटो प्यूरी ऐड कर सकते हैं या दोनों ही एक एक स्पून आप डाल सकते हैं. ज़्यादा नहीं डालें. मेरे पास जो होममेड था वही मैं यूज़ कर रही हूँ. जो टोमेटो प्यूरी है वो मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन 2 स्पून तक. ज़्यादा नहीं डालेंगे. अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं. तो ये देखें हमारा मसाला जो है बहुत अच्छी तरह से कुक हो गया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. तो अब इसमें जो है थोड़ी सी हम टोमेटो प्यूरी डाल के 1 मिनट तक पकाएंगे. तो ये जो मसाला है कम्प्लीटली बन के रेडी हो गया है. लेकिन अब हम इसमें चना नहीं डाल सकते हैं क्योंकि मेरा पैन छोटा है. तो मैं क्या करूँगी इसका जो सारा मसाला है इसको मैं कुकर में ही ट्रांसफ़र कर दूँगी. लेकिन अगर आपके पैन में जगह है तो आप चने को जो है मसाले में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा. ओके सो लेट मी ट्रांसफ़र दिस इनटू द कुकर. ये एक्चुअली जो है पकने से पहले थोड़ा वाटरी होता है लेकिन क्योंकि हमने इसमें पोटैटो डाल दिया है आलू डाल दिया है मैश करके तो इसकी कंसिस्टेंसी अभी से थिक है. तो जब ये पक के पूरा रेडी हो जाएगा तो इसकी कंसिस्टेंसी और भी थिक हो जाएगी. तो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड. तो ये इस टाइम पे आप चेक कर लें नमक और मसाला सब सही है नहीं है. तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट जो आपको करना है आपके स्वाद के अनुसार तो ये आप अभी कर सकते हैं. तो अभी हम इसको फिर एक विसल तक रखेंगे क्योंकि जो सारा मसाला हमने ऐड करा है वो एक दूसरे के साथ मिंगल हो जाए और सारा जो तेल है वो ऊपर आके खड़ा हो जाए तो एकदम जो डिश है एकदम से गॉर्जियस लुकिंग लगेगी. तो चलें अब इसको एक सीटी के लिए रख देते हैं और फिर जब हम सर्व करेंगे तो आपको इसका आउटपुट जो है दिखाएंगे. तो तब तक आप इसको ट्राई करें लाइक करें शेयर करें. बहुत सारी रेमेडीज़ हैं मेरे चैनल पे. शायद मेरी वीडियोस हाई फाई नहीं हो लेकिन इसमें बहुत सारी इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं और बहुत सारी यूनिक रेसिपीज़ हैं.
तो आप ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।